स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर तत्काल टिकट नहीं बुक हो रहा है, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो फाइनली में फ्रेंड, हम एक मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए दोस्तों मैंने एक रास्ता अपनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों उस रास्ते का वो रास्ता सक्सेसफुल दोस्तों हो जाए इसके लिए आपको दोस्तों वहाँ पे साथ देना पड़ेगा। तो फ्रेंड एक्चुअली मैं आपको ये बहुत अच्छे से पता है, इससे में दोस्तों सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि स्लीपर छोड़ो एसी की भी टिकटें नहीं बन पा रही है। मतलब दोस्तों सर्वर इतना ज़्यादा डाउन कर दिया जा रहा है कि मोबाइल से भी नहीं बन पा रही टिकटें। और दोस्तों यहाँ तक कि बहुत से रेल यात्री हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जा तो रहे हैं लेकिन लाइन लगा के वापस चले आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं कि सर मोस्टली मतलब हम ऐसा हम बोल सकते हैं, ज़्यादातर रेल यात्री हमारे पास यही कमेंट कर रहे हैं कि सर ज़्यादातर जो रेलवे स्टेशन है वो जो दलाल हैं उनके कब्जे में आ गए हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि अंदर सर हम लाइन लगा रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिल पा रहा है, और बाहर वही सेम टिकट 600 का टिकट दलाल लोग मतलब 2500 से 3000 रुपये में बेच रहे हैं, और यहाँ पे रेल यात्री मजबूर है दोस्तों क्योंकि उसको कन्फर्म ट्रेन टिकट से यात्रा करना है। तो फ्रेंड इस समय सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ऐसे एजेंट दोस्तों ऐसे एजेंट मार्केट में रेलवे को ही पता है, और बहुत से ऐसे मतलब दोस्तों सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में इलीगल तरीके से वर्क करते हैं। अभी दोस्तों कुछ मेरे पास जो हमारे यूजर्स वो कमेंट करे कि सर इसमें सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कोई एजेंट जो सॉफ्टवेयर से टिकट निकालता था कभी, वो भी टिकट लेने से मना कर रहा है कि इस रूट पे टिकट नहीं बन पाएगा। या फिर दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए, अगर तत्काल कोटा में टिकट नहीं मिलता था तो हम पीटी ट्राई करते थे जिसको प्रीमियम तत्काल बोलते थे, लेकिन दोस्तों सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि मोबाइल से अगर हम प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करेंगे तो बड़े कम चांस है सबसे पहले वो बुक हो। अगर दोस्तों बुक हो भी जाएंगे गलती से तो 600 का टिकट प्राइस 2500 रुपये पहुँच जाएगा। मतलब दोस्तों इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट की प्राइस बढ़ जा रही है, और हर जगह दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट रेलवे को ही हो रहा है, क्योंकि 600 जिस टिकट की बेसिक प्राइस है, तत्काल में प्राइस रखा गया है, जैसे जैसे दोस्तों इस पर क्राउड पड़ता है, जितनी ज़्यादा बुकिंग होती है, रेलवे दोस्तों एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करके रखी है, वैसे दोस्तों इसकी प्राइस बढ़ा देती है और रेल यात्रियों से ज़्यादा पैसा वसूल लेती है। और दोस्तों जो ऑनलाइन टिकटें इसमें बुक हो रही है ना, वो केवल और केवल प्रीमियम तत्काल कोटा से ही बुक हो रही है, जो बिजी रूट को ट्रेन है। अभी दोस्तों ज़्यादातर जो रेल यात्री हैं वो मुंबई रूट पे सफ़र करने वाले हैं, मतलब यूपी से मुंबई जा रहे हैं, मतलब कहीं से भी वो मुंबई जा रहे हैं जो हार्ड रूट में आ रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई हावड़ा जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। मतलब दोस्तों इस रूट की टिकटें ऑनलाइन मिल ही नहीं पा रही, आप सोच सकते हैं इतने ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। और दोस्तों आज से नहीं लमसम 15-20 दिन से यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का दोस्तों एक्चुअली में सोल्यूशन क्या है, कस्टमर केयर के पास दोस्तों हमने जब कॉल किया तो उनकी तरफ से भी दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। वो बोल रहे हैं सर तत्काल के मतलब जो तत्काल से रिलेटेड है उस पर हम कुछ आपको प्रॉपर अपडेट नहीं दे सकते हैं। और कुछ कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि सर एक साथ इतना लोड पड़ने की वजह से सर्वर क्रेश हो रहा है। तो रेलवे को बहुत अच्छे से पता है कि तत्काल के टाइम 10 से 15 लाख यूजर्स अगर कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनको सर्वर बढ़ा देना चाहिए, सर्वर की जो लिमिट है वो बढ़ा देनी चाहिए। अगर वो सर्वर की लिमिट 5 लाख रखें, सिंपल सी बात है, अगर 10 लाख लोग कनेक्ट होंगे तो सर्वर क्रेश हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। तो रेलवे को दोस्तों उनको देखना चाहिए कि मतलब अगर 15 लाख लोग एक साथ तत्काल निकाल लें तो कम से कम 17-18 लाख की कैपेसिटी रखें, लेकिन दोस्तों रेलवे यहाँ कुछ नहीं कर रही है, अपने हिसाब से पूरा सिस्टम चला रही है। तो फ्रेंड हमको एक्चुअली में करना क्या है दोस्तों, ट्विटर ट्रेन चलाना है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर दोस्तों ट्विटर पे ट्वीट किया जाएगा, और आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है दोस्तों, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों अब यही नज़र आ रहा है और दूसरा नहीं नज़र आ रहा है। और दोस्तों कुछ अगर हमारे ऐसे रेल यात्री हैं जो ऑलरेडी ट्विटर पे ट्वीट कर चुके हैं तो उनसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी कमेंट पे दोस्तों अपने ट्विटर का लिंक शेयर करें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रीट्वीट करवा सकूं, क्योंकि दोस्तों अब ताकि जो ऊपर ऊपरी जो अधिकारी बैठे हैं, जो रेलवे मंत्री है, उनको भी पता चले कि एक्चुअली में तत्काल के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्लीपर एसी 2S दोस्तों 10-10 मिनट लग जा रहे हैं टिकट बुकिंग में, इतने ज़्यादा सर्वर डाउन है। हालांकि एसी की बात करूँ तो 5 मिनट की प्रिंटिंग आ रही है, लेकिन जो बिजी रूट की ट्रेन है वो 2 मिनट में ख़त्म हो जा रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा उस पर हम एक ट्विटर कैम चलाएंगे, उस पर फ्रेंड हम एक ट्विटर कैम चलाएंगे, और दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है,
दोस्तों ऐसे रेल यात्री जो हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्विटर पर ट्वीट करें और हमारे पास दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट में उसका लिंक भेजें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम उसको रिट्वीट करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी इसका एक ही ऑप्शन नज़र में आ रहा है, कोई अलग से दोस्तों इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि सर्वर दोस्तों IRCTC की तरफ से डाउन किया जा रहा है। मतलब कोई ऐसी ट्रिक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पर वर्क कर सके। तो हमारे जो बहुत से रेल यात्री इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहे थे, सर सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है दोस्तों, हमको ट्विटर कैंप चलाना पड़ेगा। ट्विटर पर ही दोस्तों आपको हमको रेलवे को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में तत्काल के टाइम हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये हमारे फंस रहे हैं और फिर भी हमें तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ावा देते हो, आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए बोलते हो, तो कम से कम जो तत्काल टिकट बुकिंग वाली फैसिलिटी है इसको आप सुधार दीजिए। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी सी अपडेट देने वाला था, जो हमारे बहुत से रेल यूजर्स पूछ रहे थे सर सोल्यूशन तो आप बताते ही नहीं हो, सोल्यूशन बताते नहीं हो। तो फ्रेंड मुझे लग रहा है ये एक सोल्यूशन है, ट्विटर कैंप चलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट है, कोई एक ट्विटर पर ट्वीट करे, अलग अलग लोगों को टैग करे, रेल मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अलग अलग जोन को टैग करके कमेंट में दोस्तों हमारे पास लिंक छोड़े, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीट्वीट करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक स्क्रीनशॉट वो जरूर मतलब शेयर करेगा ट्विटर पे ट्वीट करके, कोई लिंक हमारे पास शेयर कर रहा है, ताकि रेलवे को पता चले। और दोस्तों एक्चुअल में वहाँ पे रीजन लिख दे कि सर ये एक दिन का नहीं डेली का प्रॉब्लम है, आज 2-3 महीने से प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रीट्वीट होगा तो हो सकता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। 100% दोस्तों मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड जाइए फटाफट ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, हमारे पास लिंक भेजिए, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करवाएंगे। वरना दोस्तों अगर हमको लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ट्विटर पे ट्वीट करके लिंक शेयर करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब एक ही वजह है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर कोई दे सकता है तो वो IRCTC मतलब रेलवे ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए, कोई ट्रिक इस पर नहीं वर्क कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।